दररोज 5 किलो सफरचंद, 5 लिटर दूध, 1 किलो गावरान तूप आणि चणा डाळ. हे ऐकून तुम्हाला हा एखाद्या पैलवानाचा डाएट प्लॅन वाटला असेल ना. पण थांबा, हा डाएट प्लॅन आहे शाईन आणि शेरा या जातीवंत घोड्यांचा. नंदुरबार जिल्ह्यातील सारंगखेड्याच्या घोडे बाजारात सध्या चर्चा आहे ती पंजाब आणि मध्य प्रदेशातील शाईन आणि शेरा या घोड्यांची. त्यांचा रुबाब आणि चाल पाहण्यासाठी अश्वशौकीन मोठ्या प्रमाणात गर्दी करत आहेत. तर 18 डिसेंबर पासून सुरू होणाऱ्या अश्वसौंदर्य स्पर्धांपासून सारंगखेड्याच्या चेतक फेस्टिवल पर्यंत यामध्ये सर्वाधिक रंगत येणार आहे ती या दोन घोड्यांची. ये ऐसा जी, हम पंजाब से आए हैं. मेरा नाम निर्भय सिंह है, बठिंडा से आए हैं. घोड़ी ये बच्ची हमने पाली है, बहुत शौक से पाली है. ये गुलजार लाइन की बच्ची है, इसका नाम हमने शाइन रखा हुआ है. तो ये तो हमारे एक मित्र है इधर से, राज भाई, उनके कहने पे हम इधर प्रदर्शनी के लिए लेके आए इसको. और इसमें खासियत तो ये है भाई साहब, देखो कि इतनी बड़ी हाइट की घोड़ी नहीं है, इंडिया में नहीं है पूरे में. 71 इंच हाइट है इसकी, और कीमत तो इसकी कुछ भी नहीं. हम बोल सकते भी कीमत हम 1.5 करोड़ मांग रहे हैं, और 70 लाख रुपए की ऑफर आ चुकी है हमको. इसलिए बस ये तो हम अकेले इसको प्रदर्शनी के लिए लाए हैं, दिखाने के लिए. क्या खान पान की क्या कागजी लिखी जाती है, उसका डाइट कैसा है? खान पान तो इसका एक्स्ट्रा ही है जी, चने हैं और जई हैं, दूध पिलाते हैं. अभी सेब खिला रहे हैं इसको, सीज़न है सेब का, 5 किलो डेली सेब खा रही है, दूध पिला रहे हैं 10-12 लीटर. जी भैया, मेरा नाम दीपक है, ये मैं बड़नगर से आया हुआ हूँ, ज़िला उज्जैन है, मध्य प्रदेश, बड़नगर तहसील लगती है. घोड़े का नाम शेरा है. हाइट इसकी 62 है, 62, और नुकरा कैटेगरी में आता है मारवाड़ी कान में. बाकी ये बॉडी से स्ट्रॉन्ग है. 51 लाख रुपए इसकी कीमत रख रखी है, और खूबसूरत जानवर है दिखने में. खर म्हणजे ते जातीवंत घोडे असतात, ब्लड लाईनचे घोडे असतात, आणि त्यांचे जी सुंदरता असते, त्यांचे जी मजबूती असते, ते खरं इथं जरी ते जरी येत असले तरी ते त्यांचा डिस्प्ले करतात, एक प्रकारे त्यांचं प्रदर्शन होत असतं, आणि त्याच्यानंतर त्यांचं जे ब्रीडिंगसाठी खरं त्याचा वापर करत असतात, आणि ब्रीडिंगच्या माध्यमातूनच त्यांना चांगली आर्थिक कमाई असल्याने ते जास्त करून घोडे विक्री करत नाही, आणि ब्लड लाईन जोपासण्याचा तो एक प्रकारचा त्यांचा प्रयत्न असतो.